Bismillahirrahmanirrahim. At last, hope so you all are fine and blessed by the grace of Allah Almighty. But today's topic is effects of expansion and contraction of solids in everyday. अगर हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों स्टेट्स में किस तरह से ये होता है. बेटा जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो भी इसी के रेलिवेंट है. होता है क्या है कि ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है सॉलिड्स का, ये हमारी एवरीडे लाइफ में भी हो रहा है और हमें फ़ायदा दे रहा है. किस तरह से फ़ायदा दे रहा है और किस तरह से अगर हम ये इसको फॉलो ना करें, इनके रूल्स को फॉलो ना करें और उस तरह से हम इनको ना फॉलो करें तो क्या होगा कि हमें डेली लाइफ में जो है नुकसानात का सामना करना पड़ता है. फर्स्ट बेटा इसका इफेक्ट है कि एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड. आपने रोड्स पड़ी हुई देखी हैं, सड़कें. क्या होता है कि समर में ना बेटा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो सॉलिड मटेरियल है इसकी, ये जो मतलब ये कंक्रीट वगैरह, ठीक है, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है. जब ये एक्सपेंड होता है तो क्या होता है, सड़कें क्रैक हो जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं. इस टूट फूट के से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इनके दरमियान जो है एक्सपेंशन गैप्स रख दिए जाते हैं, ताकि अगर ये इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं सॉलिड के फैले भी, कंक्रीट के फैले भी, तो वो फिर सड़क पर कोई उसका इफेक्ट ना हो और ऑटोमेटिकली वो रिलायबल रहें पूरी टाइम के दौरान, ठीक है. नेक्स्ट बेटा रेलवे ट्रैक्स में भी जो है वो हम इस तरह से गैप्स छोड़ते हैं. किस तरह से कि आपको पता है रेलवे ट्रैक्स के दो सेक्शंस होते हैं, ठीक है. ये दो सेक्शंस जो हैं वो आपस में मिले नहीं होते क्योंकि इनके अंदर दरमियान में गैप रखा हुआ था. इनका गैप इसीलिए रखा जाता है ताकि अगर ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करें ड्यू टू द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द वेदर, यानी अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं जाहिर सी बात है ये भी मेटल के बने हुए हैं, तो इनमें अगर कोई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो ना हो और रेलवे ट्रैक जो है वो डी शेप होने से बच जाए. तो बेटा ये ओवरऑल जो है वो दो इफेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है. होप सो कि आपको समझ आ गई है.